हेलो स्टूडेंट्स आइए इस लेक्चर में सॉल्व करते हैं सैम्पल पेपर जो कि टर्म टू पर बेस्ड है उसके सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर टू बट जैसा कि हमें पता है कि सेक्शन ए इज़ बेस्ड ऑन रीडिंग सेक्शन राइट तो रीडिंग सेक्शन का जो क्वेश्चन नंबर टू है हम इसको साथ मिलकर अभी सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही सिंपल है ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी हमें वही बेसिक रूल्स को ध्यान रखना है कि एक पैसेज है उसको रीड आउट करें हर एक स्टैंडजा की स्टार्टिंग की एक या दो लाइन्स को रीड करें उसका एक आइडिया माइंड में ले लें उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चनस पर जाएँ एक एक क्वेश्चन को स्टडी करें और उसका आंसर दिए गए डिज़ाइन स्टैंडा के अंदर ढूंढ लें और फटाफट से लिख दें यानी कि हमें जब तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो तब तक हमें पूरे पैराग्राफ को डिटेल में रीड करके उसको समझने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव टू बी क्लेवर वी हैव टू बी फास्ट क्योंकि एग्जाम में हमें लिमिटेड टाइम में अपना बेस्ट देना है तो इसलिए स्ट्रैटेजी को रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है तो चलिए साथ मिलकर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखिए इसमें क्या कहा गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम केस स्टडी टाइटल्ड इंपैक्ट ऑफ फेस्टिविटीज ऑन इकोलॉजी मैं मैं आपको बताना चाहूंगी पहले तो कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता स्टूडेंट्स देखिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उससे हम रेफर करते हैं इकोलॉजी को यहां पर हमें पैराग्राफ में, इस पूरे के पूरे में ये बताया गया है कि देखिए धूमधाम सेलिब्रेट करते हैं आखिर इन सेलिब्रेशन का हमारे एनवायरमेंट पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल पर किस तरीके से इफेक्ट आता है मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन चीज़ों इन के बारे में बातचीत की गई है जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ अब देखिए दिवाली पर हम कितने सारे पटाखे जलाते हैं क्रैकर्स बर्न करते हैं राइट हम लोग उसे सेलिब्रेशन का पार्ट मानते हैं मज़ा भी बहुत आता है मुझे पर्सनली भी बहुत मज़ा आता है परंतु अगर आप गहराई में सोचे तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में दिवाली के बाद लगभग फिफ्टीन डेज तक स्टूडेंट्स एक खुले हवा में सांस लेना मॉर्निंग वॉक पर जाना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो यानी कि इससे इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में इसी टाइप की कुछ बातें की गई हैं इनफैक्ट एक रिसर्च भी परफॉर्म की गई थी तो उस रिसर्च को किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया उसके क्या आउटपुट्स निकले उन सब के बारे में भी डिस्कशन की गई है और अल्टीमेटली हमें बताया गया है कि आखिर दोस्तों हमें किस तरीके से इन फेस्टिविटीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हम लोगों को खुशी भी मिले साथ में इन्वायरमेंट भी पोल्यूट ना हो तो देखिए फर्स्ट आंसर की अगर बात करें तो पहली लाइन को रीड करेंगे फेस्टिवल्स आर सिनोनिमस विद सेलिब्रेशन सेरेमनी एंड जॉय हाउ एवर फेस्टिवल्स ब्रिंग टू फोर्थ द फ्लिप साइड ऑफ सेलिब्रेशंस, पोल्यूशन, एयर वाटर सॉइल एंड नॉइस देखिए फेस्टिवल्स एक सेलिब्रेशन का एक तरीका है सबको बहुत मजा आता है हम सब जानते हैं परंतु जैसे कि हर एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं वैसे ही इस टॉपिक की भी एक अनदर डार्क साइड है एंड दैट इज़ दोस्तों डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजी यानी कि डिस्टर्बेंस ऑफ एनवायरमेंटल बैलेंस जैसे कि आप पॉल्यूशन का केस ले लें किस टाइप का पॉल्यूशन बल well, एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉयल नॉइस डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिब्रेशन के थ्रू फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट्स होली का ही केस ले लें होली पर जानते हैं पहले टाइम में कई सालों पहले तक होली सिर्फ फूलों से खेली जाती थी फ्लावर पेटल्स का यूज़ किया जाता था तो सब बहुत आते थे। परंतु अब देखिए होली का का कुछ अलग रूप दिखाई देता है, so, different type उसका रिजल्ट हो जाता है तो फर्स्ट एंसर में तो कुछ इस टाइप की बातें हैं। सेकेंड पर आइए अबाउट इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग Exploring solutions to bring awareness about celebrating festivals without harming ecology was the second objective. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो study conduct किया, फिर इसके पीछे के objectives क्या थे? तो objectives को लेकर stanza two में बात की गई है. थर्ड देखिए द रिसर्च बिगैन बाय अंडरस्टैंडिंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिस्पॉन्डेंस बिफोर शेयरिंग द क्वेश्चन नये यानी कि यहाँ पर अब बात हो चुकी है हमारे एक्सपेरिमेंट की जहाँ पर क्वेश्चन नये और रिस्पॉन्डेंस को लेकर कुछ बातें हो रही हैं यहाँ पर एक टेबल भी गिवन है देखिए सबसे पहले बताया गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए रिस्पोंडेंस के साथ उसके बाद येस यानी कि कितने लोगों ने हाँ का जवाब दिया कि वो इस बात से अग्री करते हैं कितने लोगों ने डिसग्रीमेंट शो किया एंड कांट से यानी कि ऐसे लोग जो कन्फ्यूज थे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका बात जवाब ये होना चाहिए या इसका जवाब न होना चाहिए सो दो कैटेगराइज से राइट उसके बाद देखिए स्टैंडसर नंबर फोर में

लोगों को अवेयर किया जाए एंड एक्चुअली आई टोटली इट देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि दिवाली मनाना ही छोड़ दो तो आपको कैसा लगेगा यू यू ऑल विल बिकम सो सैड बिकॉज दिवाली फेस्टिवल्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर अगर गवर्नमेंट अपनी साइड से स्ट्रिक्ट रूल्स अप्प्लाई करते इस तरीके से अप्लाई करें कि अगर आप मार्केट में क्रैकर्स ख़रीदने जाए भी तो आपको कुछ पर्टिकुलर क्रैकर्स मार्केट में मिल ही ना पाए जो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो खुद बताइए जब अगर पीछे फैक्ट्रीज से ही ऐसे क्रैकर्स मैनुफैक्चर होने बंद हो जाएंगे जो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं वो आप तक नहीं आ पाएंगे और जब हम तक वो आ ही नहीं पाएंगे तो हम उसे बस्ट नहीं करेंगे और इन्वायरमेंट अपने आप ही साफ सुथरा रहेगा यानी कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रूल्स बहुत मदद करें अगर हम बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं हमारे सेलिब्रेशंस और एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस के बीच है ना तो अब देखिए स्टैंड ऑफ फाइव में क्या बात की गई है स्टडी पॉइंटेड टू द इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एंड ईको क्लब्स फाइटिंग अ लूजिंग बैटल ड्यू टू सिटी ट्रैफिक इश्यूज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक गारबेज डम्पिंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यानी कि इसमें कहा गया है कि बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद भी ये जो हमारे uh, दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स हैंको क्लब्स हैं वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी अवेयरनेस लोगों के बीच होनी चाहिए अभी भी उसमें कहीं ना कहीं कमी है सो यू नीड टू मेक अ लॉट मोर एफर्ट Right? So, on the basis of your understanding of the passage, answer any 5 questions from the 6 given below. 6 questions 6 questions, 5 का जवाब देना है राइट पैसेज बिल्कुल क्लियर है हमें बिल्कुल समझ आ गया वेरी वेरी इजी पैसेज जिसमें बताया गया है कि कैसे सेलिब्रेशन के कारण एनवायरमेंट पर बुरा असर भी आता है स्टडी कंडक्ट की गए गई स्टडी कंडक्ट की गई है कुछ लोग इस बात से अग्री करते हैं कुछ डिसअग्री करते हैं एंड फाइनली इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाना चाहिए स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए इन चीज़ों को लेकर कुछ बातें की गई हैं अब देखिए आइए क्वेश्चन नंबर वन को हम लोग स्टडी करते हैं Why do researchers call pollution the flip side of festivals? वेल well, इसके बारे में तो हमने पैराग्राफ वन में बात की है आप खुद देखिए जहां पर बोला गया है कि हाउ एवो फेस्टिवल्स साइड ऑफ सेलिब्रेशन पोल्यूशन एयर वाटर सॉइल एंड नॉयस यानी कि देखिए यहां पर दोस्तों आ, जो रिसर्चर्स हैं वो स्टूडेंट्स फ्लिप साइड ऑफ फेस्टिवल पोल्यूशन को फ्लिप साइड ऑफ फेस्टिवल इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखिए एक तरफ तो फेस्टिवल्स का बहुत ज़्यादा मजा आता है पर दूसरी तरह जिस तरीके से इंडिया में फेस्टिवल्स को आज सेलिब्रेट किया जाता है उससे इन्वायरमेंट पर भी काफ़ी ज्यादा बुरा असर आता है डिग्रेडेशन देखी जाती है पोल्यूशन होता है फिर चाहे एयर वाटर, नॉइस पोल्यूशन जैसा मर्जी हो तो जैसे हर एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं हर एक चीज के पॉजिटिव और होते हैं वैसे ही जो फेस्टिवल्स है, जहां एक तरफ वो खुशियां लेकर के आता है वहीं दूसरी तरफ हमें पॉल्यूशन भी दिखाई देता है और इसीलिए रिसर्चर्स ने ये बात कही है चलिए क्वेश्चन नंबर टू पर आएंगे कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवन टू ट्वीट बता दिया गया है क्या था

On the with to line 16 to 21, की और ज्यादा ईजी बन जाता है क्योंकि हमें यहाँ पर सीबीएसई ने तो क्या बताना देखो यहाँ पर रेकमेंडेशन की बात हो रही है अब रेकमेंडेशन देखिये पैराग्राफ नंबर फोर पर आते हैं Rules and regulations as opposed to a total ban on all festive activities which have a drastic impact on our environment. They have strict rules or regulations. That is one of the important recommendation made by researchers. Okay, that's a great job done. So, let's question number four. Why do the researchers feel that environmental groups and eco-clubs are fighting a losing battle in the given scenario? We losing battle could sound ये जो क्वेश्चन है ना ये टोटल क्रक्स पर भी बेस्ड है और पैराग्राफ फाइव पर अगर आप ध्यान दें तो यू विल गेट टू नो देखिए हमें यहाँ पर पूरी यही प्रॉपर लाइन दी गई है कि देखिए ये क्लूजिंग बैटल इसलिए है क्योंकि अभी उतनी अवेयरनेस सोसाइटी में नहीं है जितनी होनी चाहिए अबाउट प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन सेलिब्रेशन एंड एनवायरमेंट राइट स्टूडेंट्स इकोलॉजी और in, uh, के बीच में बनाना है, जो कि पूरी तरह भी नहीं बन पाया है आगे बढ़े इजी लग रहा है ना तो देखो क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं स्टेटमेंट ओके, ओके, लेट्स फाइंड आउट द टेबल टेबल को रेफर करा है इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑल दो ज्यादा लोग ये कहते हैं कि जो फेस्टिवल पर क्रैकर्स हैं उन्हें बर्स्ट नहीं करना चाहिए परंतु तो फिर भी पॉल्यूशन हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है वेल well, अगर आप डेटा को देखो तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फोकस करो सेकंड पॉइंट में जहाँ पर जब पूछा गया, say, क्या आपको ऐसा लगता है यूज करते हैं फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए तो लोग कहते हैं यस yes. है ना वो मान रहे हैं इस बात को साथ में देखिये डू यू थिंक दैट सेलिब्रेशन एंड पीपल ये बात भी वो मानते हैं साथ में देखिए डू यू फील प्रेशर्ड टू बर्स्ट क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ या सोशल स्टेटस कि आपको दूसरे लोगों की वजह से सोसाइटी की वजह से आपको क्रैकर्स को बर्स्ट करना पड़ता है ईवन ईवन जबकि आप नहीं चाहते तब भी आपको करना पड़ता है तो लोग इस बात से एग्री करते हैं तो यानी कि स्टूडेंट्स हमें इस इन सारे डेटा से ये एविडेंस मिल जाता है कि ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं इस बात

से का कॉलम है ना बच्चों ये से का कॉलम क्या बताता है वह देखिए जब रिस्पॉन्डेंट से हमने क्वेश्चन पूछे कि अरे आप ये बताओ कि आपको ऐसा लगता है तो उस उस सवाल का जवाब क्या हो सकता है कि हाँ हमें ऐसा लगता है या फिर नहीं हमें ऐसा नहीं लगता और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सॉरी uh, हम नहीं जानते इसका जवाब हाँ होगा या ना होगा बिकॉज वी आर कन्फ्यूज या uh, हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास फिफ्टी परसेंट हाँ का जवाब है फिफ्टी परसेंट ना का जवाब है सो so, जो लोग श्योर नहीं है उनका हमने जवाब डाल दिया है कांट से की कैटेगरी में तो अगर मैं आपको वेल रिफाइंड लैंग्वेज में इसका आंसर बताऊँ तो देखिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि द कांट से कॉलम अलाउज़ एन ऑप्शन

तो ये पैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग था इनफैक्ट सिर्फ सॉल्व करने के लिए ही नहीं इसमें समय बहुत सारी जनरल नॉलेज भी मिली आज से ही आप लोग ये ठान लीजिए कि अब जो भी फेस्टिवल्स आगे आने वाले हैं ना उनको आप एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में सेलिब्रेट करेंगे इन्वायरमेंट पर ज्यादा नुकसान नहीं आने देंगे व बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी अगर हम एग्जाम की बात करें तो आपको आंसर को बेटर स्ट्रक्चर वे में कैसे लिखना है उसके लिए डाउनलोड ऑल द रिटर्न सोल्यूशन राइट नाउ अभी जाइए डाउनलोड करिए सारे रिटर्न सोल्यूशन का यूज करिए फिर देखिए छा जाएंगे आप लोग एग्जाम्स में है ना तो चलिए मिलते हैं